नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल प्लस मस्ती में। तो आज हम लोग जो है इंस्टॉल करने आए हैं एक्साइड का सोलर सिस्टम। तो यहाँ पे हमारा जो है स्ट्रक्चर जो है वो रेडी हो रहा है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर को जो है फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं। ये स्ट्रक्चर जो है ये जैक्सन कंपनी का स्ट्रक्चर है और पैनल वगैरह जो है सोलर पैनल वगैरह एक्साइड का, इन्वर्टर एक्साइड का, बैटरी एक्साइड का। तो 3.5 KVA का जो है यहाँ पर इन्वर्टर को हम लोग लगाने वाले हैं। अभी हमारा जो है स्ट्रक्चर रेडी हो रहा है। तो फाइनली हमारा जो है स्ट्रक्चर वगैरह सारा कुछ रेडी हो चुका है। तो आज जो है पूरा कंप्लीट वीडियो आपको जो है नहीं बना के दिखा पाएँ कि किस तरह से हम लोगों ने जो है पैनल वगैरह को इंस्टॉल किया है या स्ट्रक्चर को किस तरह से इंस्टॉल किए हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय और आपका स्वागत है टेक्निकल प्लस मस्ती में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि मैं जो भी नए नए वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो ये हमारा जैक्सन का जो स्ट्रक्चर है ये हॉट डिप जो है गैल्वेनाइज्ड है, मतलब ये जो है आपका बारिश वगैरह में ये जंग वगैरह जो है नहीं लगता है और कुछ स्ट्रक्चर जो है इस तरह से जो है ये खड़ा होता है। तो काफ़ी सारे लोग मेरे को कमेंट्स में भी कहते हैं कि सर इस तरह का स्ट्रक्चर को कैसे फिक्स करें। तो यहाँ पे आज दिखाने का मेरा उद्देश्य यही है कि इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे फिक्स होता है या ऐसे लगता है। तो इस स्ट्रक्चर का मामले में कभी भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं होता है। कोई भी स्ट्रक्चर दे दीजिए, उसको हम इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम लोगों का जो है वायर का कनेक्शन वगैरह सारा कुछ अभी यहाँ पर हो गया है। यहाँ पे टोटल जो है यहाँ पे 8 पैनल है, 325 वाट का 8 पैनल है और यहाँ पे हम लोग दो दो पैनल का जो है सीरीज में कनेक्शन किए हैं, क्योंकि यहाँ वीडियो पे बने रहिएगा बताएंगे। और अभी जो है पैनल का नट बोल्ट को जो है हम टाइट कर रहे हैं, तो टाइट कर लेते हैं। हमारा काम जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो दो दो का इसीलिए स्ट्रिंग बनाया है दोस्तों क्योंकि हमारा इन्वर्टर में जो है वो हम उसमें 100 वोल्ट तक ही दे सकते हैं। तो हमारा एक पैनल का जो VOC है वो 45 के आसपास है, मतलब 46 के आसपास है। अगर हम दो पैनल का करते हैं तो हमारा 90 वोल्ट के आसपास आता है। अगर हम लोग इसमें 3 पैनल को सीरीज में कनेक्शन करते हैं तो हमारा जो है 130 वोल्ट के आसपास या 135-40 वोल्ट के आसपास आएगा। तो उसमें जो हमारा इन्वर्टर का चार्ज कंट्रोलर डैमेज होने का चांस है, इसीलिए जो है हम लोग इस तरह का कनेक्शन किए। और इधर से होते हमारा पास इन दो वायर जो आया है वो यहाँ पे आया है इन्वर्टर में। तो हम लोग जो है चारों स्ट्रिंग को पैरेलल कर दिए हैं बाद में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी का जो कनेक्शन हुआ है वो सीरीज में हुआ है, एक पॉजिटिव नेगेटिव सीरीज कनेक्शन हुआ। और यहाँ पे बैटरी को चारों को जो है सीरीज किया और इन्वर्टर में नेगेटिव पॉजिटिव का वायर को लगा दिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सोलर का जो केबल है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में आइडेंटिफाई किए हैं। और यहाँ पे आपका बाईपास मोड और इन्वर्टर मोड दोनों है। और नीचे में आपको MCB मिलेगा देखने को, वहाँ पे आपका ग्रिड को आप बंद भी कर सकते हैं, मतलब MCB आप चालू भी कर सकते हैं और बंद करके भी रह सकते हैं। अब हमारा सिस्टम जो है वो ऑन हो गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्साइड का इन्वर्टर है ये 3.5 KVA का। और इसको अभी हम लोग रन करते हैं, स्टार्ट तो हो गया और हमारा बैटरी जो है वो भी चार्ज होना चालू हो गया। आप देख सकते हैं बैटरी का वोल्टेज जो है यहाँ पे दिख रहा है 55.1। तो यहाँ मेंस ऑफ है, UPS ऑन, लोड 0% है क्योंकि अभी यहाँ कनेक्शन नहीं हुआ है, तो कनेक्शन होने वाला है यहाँ पे। और यहाँ बैटरी जो है वो चार्ज हो रहा है। और यहाँ पे हाइब्रिड मोड, UPS, बहुत सारे यहाँ पे मोड भी आपको देखने को मिलेगा। तो कंप्लीट जो है हमारा सारा कुछ काम हो गया। वापस से आपको दिखाते हैं, यहाँ पे सोलर का दोनों वायर लगने वाला है और यहाँ पे बाईपास मोड, इन्वर्टर मोड है और नीचे जो है यहाँ पे MCB है और इस साइड में आपका इनपुट और आउटपुट दोनों यहाँ पे लगने वाला है। तो ये इंस्टॉल करना बहुत ही ईजी है, इसको आप आराम से इंस्टॉल कर सकते। ये जो सिस्टम लगा है यहाँ पे और भी कुछ कुछ इक्विपमेंट जो है लगाना था तो हम लोगों ने नहीं लगाया क्योंकि ये इंस्टॉलेशन जो था ये मेरा इंस्टॉलेशन, मेरा सप्लाई नहीं था, मेरा इंस्टॉलेशन था सिर्फ, ये मैं सिर्फ इंस्टॉल करने के लिए आया था। तो यहाँ पे बहुत सारा चीज जो है नहीं लगाया गया। क्या क्या नहीं लगाया गया? एक तो दोस्तों इसका अर्थिंग नहीं था, स्ट्रक्चर का बॉडी अर्थ नहीं था, इसमें
एसीडीबी या डीसीडीबी नहीं था, इस पे लाइटिंग अरेस्टर नहीं था, एक इन्वर्टर का बॉडी अर्थ का भी होता अर्थिंग। तो यहाँ पे कम से कम आपको जो है दो अर्थ बनाना था, दो अर्थिंग, एक आपका लाइटिंग अरेस्टर का और एक आपका इन्वर्टर और स्ट्रक्चर का अर्थ के लिए। तो ये कम से कम दो आपको बनाना ही था, तो यहाँ पे दोनों ही नहीं बना है। और यहाँ पे आपका जो कनेक्शन हुआ है उस कनेक्शन में भी यहाँ पे दो दो का सीरीज हुआ है, तो यहाँ पे एक एजीबी एयर जेंसन बॉक्स का यहाँ पे जरूरत था, तो यहाँ पे एजीबी भी नहीं लगाया गया, तो उसको जो है सोल्डिंग करके ही काम किया गया। उसमें MC4 कनेक्टर भी नहीं लगाया, सोल्डिंग एक दूसरे को वायर के साथ सोल्डिंग के चारों जो हमारा चार स्ट्रिंग बना है, चारों स्ट्रिंग को जो है लाके उसको पैरेलल कर दिए हैं, और पैरेलल करके हमारा इन्वर्टर में सिर्फ दो वायर लेके गए हैं। यहाँ पे एक एजीबी लगाना था, बहुत सारे लोग उसको डीसीडीबी या एजीबी का नाम से भी जानते हैं, तो इसमें एक डीसीडीबी या एजीबी लगाना था। उसके बाद एक एसीडीबी एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो होता है उसको भी लगाना था, तो सर ने वो भी नहीं लगवाए, तो डायरेक्ट हम लोग जो है सोलर पैनल से वायर लाके सीधे इन्वर्टर में डाले हैं। और इन्वर्टर बैटरी का कनेक्शन जो आपको शुरू में बता ही दिए कि किस तरह से होगा, एक साइड का 48 वोल्ट 3.5 KVA का जो इन्वर्टर है सोलर इन्वर्टर, उसमें कनेक्शन कैसे करना है। और अब बात करते हैं दोस्तों, इस तरह का सिस्टम लगाने के लिए आपको कितना खर्च आ जाएगा। तो 8 सोलर पैनल, 325 वाट का, 4 एक्साइड का बैटरी जो कि 150 एम्पीयर का, और स्ट्रक्चर जो है 8 पैनल का, वायर इंस्टॉलेशन सारा कुछ मिला के अगर आप लेते हैं जो सिस्टम यहाँ पे लगा, ये सिस्टम लगाने में आपको जो है 1,90,000 से 2 लाख रुपए तक का खर्च आ सकता है। और दोस्तों इसमें अगर आप एजीबी एसीडीबी लाइटिंग अरेस्टर अर्थिंग ऐड करते हैं तो इसमें और एक्स्ट्रा आपको जो है 10 से 12 हजार रुपए का खर्च आ सकता है। तो अप्रोक्स एक रेट आपको मैं बता रहा हूँ, अभी 2022 का जुलाई महीना का अभी का रेट मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी अगर आप इस तरह का सिस्टम लगाते हैं तो ये सिस्टम लगाने में आपको जो है 2,10,000 15,000 तक का खर्च आ सकता है। और जो यहाँ पे जो सिस्टम लगाया है, ये सिस्टम लगाने के लिए आपको जो है सिर्फ 1,90,000 से 2 लाख में आपका ये सिस्टम लग जाएगा। टोटल आपका ट्रांसपोर्टिंग वगैरह सारा कुछ रहेगा, ये कहीं से भी आप लीजिए, इस बजट में आपको जो है ये सिस्टम मिलेगा। अब बात करते हैं इससे आप क्या क्या चला सकते हैं। तो इससे आप जो है 1 HP का समर्सिबल पंप को चला सकते हैं, टीवी वगैरह, फ्रिज, कूलर, इंडक्शन को भी यूज कर सकते हैं, मगर उसमें आपका क्या होगा, इंडक्शन भी यूज हो जाएगा पर आपका इंडक्शन जो है ज्यादा वाटेज लेता है, तो उसको कोशिश करें कि ना चलाएं, कभी कभार यूज कर ले, दिन में अगर यूज करना है तो कर सकते हैं, मगर बैटरी पे जब आप डिपेंड हो जाते हैं तो उस समय आप इंडक्शन का यूज नहीं करें। लैपटॉप वगैरह आप जो है इससे आप यूज कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं, फैन यूज कर सकते हैं, अगर आपका इन्वर्टर AC है तो इन्वर्टर AC भी ये जो है चला देगा। और इसका वायर का कनेक्शन आपको हम वीडियो पे बता दिए कैसे किए कैसे नहीं किए। सो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर सो हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे घर की ओर। तो अभी हम लोग घर चलेंगे और मौसम जो है पूरा, अभी आसमान साफ है, अभी हम लोग जो है घर जा सकते हैं, भींगेंगे भी नहीं, और भींग गए तो हमारा टूल्स वगैरह सारा कुछ भींग जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपको भाई को सपोर्ट करें। सो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।